8 जनवरी को कैंट थाना अंतर्गत मिली लाश के मामले में कैंट पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। कैंट थाना अंतर्गत कंचनपुरा पहाड़ियों पर 8 जनवरी को एक अज्ञात लाश मिली थी। लाश को देखने पर प्रथम दृष्टया लग रहा था कि हत्या की गई है। लाश की तलाशी के दौरान उसके आधार कार्ड आई कार्ड मिलने पर उसकी पहचान कल्लू उर्फ कालू मीणा निवासी बमोरी के रूप में हुई। कालू मीणा वर्तमान में 1 साल से गुना में निवासरत था। इसी आधार कार्ड के इस कारण पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और जांच में पाया कि ये पूरा मामला अवैध संबंधों के चलते था। आगे बड़ी पुलिस की जांच में सबसे पहले शगुन बाई आई। शगुन बाई बमोरी की रहने वाली है और 1 साल से मृतक कल्लू के साथ अवैध रूप से रह रही थी। इसी पर शगुन बाई सरदार मलकीत सिंह निवासी रामपुर के साथ अवैध संबंध थे। इसी चक्कर में मलकीत सिंह ने 4 आरोपियों को 40,000 की सुपारी देकर कल्लू मीणा की हत्या करवाई और 4 आरोपियों ने कंचनपुरा पहाड़ियों पर कल्लू मीणा की हत्या कर दी। आरोपियों में सरदार मलकीत रामपुर, रईस खान सैयदपुरा, आविद खान रसिद कॉलोनी, इब्बू उर्फ इब्राहिम निवासी बूढ़े वाली गुना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंधे कत्ल का खुलासा करने वालों में थाना प्रभारी उमेश मिश्रा, SI गोलिया एवं अन्य पुलिस स्टाफ के सराहनीय योगदान रहा। नहीं देख रहा क्या दो है? नहीं मलकित सरदार नहीं ये है ना तगड़ी नहीं बंदे सर। अच्छा बंदा सरदार है। क्या हो गया था, काय के लिए हत्या कराई तुमने? क्यों इनको हटा दे पहले। संक्षेप में घटनाक्रम ऐसा हुआ था कि 23 तारीख को कैंट पुलिस को सूचना मिली थी कि कंचनपुरा पठार पर एक कोई क्षत विक्षत सड़ी गली लाश पड़ी है। तो इसी की जांच के लिए मैं स्वयं और एफएसएल डॉक्टर पहुंचे और उस लाश को देखने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्राथमिक रूप से देखने पर लग रहा था कि हत्या करके लाश को फेंका गया है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। तो पहचान उसके शरीर पे कपड़ों में जो कार्ड वगैरह मिले, आधार कार्ड के आधार पर पहचान हुई कि ये कालू मीणा का शव है। इस शव को PM के लिए भेजा गया और विवेचना के दौरान कुछ साक्ष्य ऐसे मिले कि उक्त व्यक्ति किसी महिला शगुन अहिरवार के साथ अवैध रूप से रह रहा था, अवैध संबंधों के साथ रह रहा था। इसी की विवेचना के दौरान जब मालूम पड़ा तो उस महिला के संबंध एक मलकीत सरदार से पूर्व में अवैध संबंध रहे हैं। तो मलकीत सरदार को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कल्लू मीणा मेरी जो रखेलपुर में थी उसको अपने साथ रखे। इसी बात को लेके मलकीत सरदार ने लगभग 1 महीना पूर्व से ही इस कल्लू मीणा की हत्या की साजिश रचने का काम शुरू कर दिया था और इस साजिश में उसके साथ गुना के आबिद और रईस खान, इब्बू और उसके अन्य साथी थे। इन लोगों ने 23 तारीख को जो मृतक था उसको अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के अपना श्रीराम कॉलोनी की कलारी पर ले गए। दारू पीने के बाद आबिद, रईस, इब्बू, छोटू और राहुल इन सभी ने उसको साथ में दारू पिलाई। उसके बाद कंचनपुरा पठार से पहले उसके साथ मारपीट की और गला दबा के जब वो बेहोश हो गया, बेहोश होने के बाद उसकी पत्थर पटक के कंचनपुरा पठार पे हत्या कर दी थी। ठीक। और सुपारी लेकर हत्या करवाई थी? अब इसको आप सुपारी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि जो मलकी सरदार है उसने अपने जो अन्य साथी थे जिनसे वो पूर्व से परिचित था उनसे इस हत्या को करवाने में पूरा षड्यंत्र उसी के द्वारा मलकी सरदार के द्वारा।